देहूती माता भगवान कपिल से कह रही है कि मेरी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इनकी इच्छा पूर्ण करते 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 जीवन भी छोटा पड़ जाता है और एक दिन जीवन जो है समाप्त हो जाता है। इसी के लिए तो जीवन जी रहे हो, मुख के लिए भूख लगती है इसलिए धन कमाना पड़ता है। प्रत्येक इंद्रियों का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन बिताता है। इन इंद्रियों की आसक्ति समाप्त कैसे हो, इसका मोह कैसे खत्म हो, ये तृप्त कैसे हो। एक बार भोजन ज्यादा कर लिया उस समय तो लगा कि अब कभी नहीं करूंगा, 4 घंटे बाद लगा के फिर भोजन करना। प्रत्येक इंद्रिय का ये नियम है। ठाकुर जी कहते हैं कि आध्यात्मिक योग की कमी से ऐसा होता है। जीवन में आध्यात्मिक योग की अगर कमी है तो आपकी इंद्रिय कभी तृप्त नहीं हो सकती। मतलब सत्संग का प्रारंभ, जैसे ही सत्संग का प्रारंभ होगा आपकी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। देखो अपने घर में कभी 4 घंटे ऐसे बैठते हो सुखासन में, बैठते हो कि नहीं बैठते, सही बताओ। अच्छा 3 बैठते हो, चलो सच तो बोला, कुछ तो 10 घंटे बताने वाले हैं पीछे। 4 घंटे इस आसन में आप अपने घर में नहीं बैठते, आपके पैर जो हैं वो थक जाते हैं, कष्ट होता है, मन शांत नहीं रहता। लेकिन कथा में 3 घंटे की कथा है, 5 घंटे रोज बैठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो? सत्संग से इंद्रिय शांत हो रही है। कुछ लोग हर 1 घंटे में मुंह जूठा करते हैं, थोड़ी देर में कुछ खाने को चाहिए, 4 घंटे यहां पानी भी नहीं पीते हो, कैसे शांति मिलती है? सत्संग से। ये सत्संग में सामर्थ्य है कि जो आपकी प्रत्येक इंद्रिय को शांत करती है। जब संग सुधरेगा तभी ऐसा होगा। और हमें संग किन लोगों का करना चाहिए? इनके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। कोई साथ वाला बहुत बोलता है उसके साथ बैठकर कथा मत सुनो, जो कथा सुनने नहीं देगा, इधर उधर की बातें ज्यादा करेगा। हरि भक्तों का संग ही प्राप्त करो। 5 गुण जिनके अंदर हैं उनके संग रहो। कौन कौन से 5 गुण, ध्यान से सुनो। सहनशीलता, कैसी सहनशीलता? फलदार वृक्ष की तरह, आम के पेड़ को पत्थर मारो बदले में फल ही देगा, कभी पत्थर नहीं मारेगा। किसी को कटु वचन भी बोल दो और बदले में वो क्रोध ना करे, अपनी दया के समुद्र में उस बात को डाल दे, ऐसे व्यक्ति के संग रहो। दूसरी है दया। जो प्राणियों पर दया करता हो, जीव जंतुओं पर दया करता हो। कुछ लोगों को हम देखते हैं घर में कुत्ता आ जाता है, कोई और पशु आ जाता है, ऐसा डंडा मार देते हैं, ऐसा पत्थर मारते हैं कि प्राण ही निकल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के संग रहकर भजन बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तीसरा, जो सबका हित चाहता हो, सबका भला चाहता हो, हमारे संग संग सबका भला हो, सब प्रसन्न रहे। चौथा, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, उसके संग रहो। और कोई भी शत्रु किसका नहीं है? जो शांत रहता है। जितना ज्यादा बोलोगे उतने शत्रु अपने आप पैदा करोगे, और जितना शांत रहोगे उतने शत्रु अपने आप समाप्त करोगे। ज्यादा बोलने वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं, शांत रहने वाले के दुश्मन ज्यादा नहीं होते। यह सब गुण जिसके अंदर है, शांत रहना सीखो। नाम जप के प्रताप से पहाड़ के समान संकट भी कंकड़ के जैसा हो जाता है। बोले लगता तो फिर भी है, हाँ लगेगा तो है ही, प्रारब्ध है। अब भाटी जी बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से भी 3 दिन पूर्व इनका ऑपरेशन हुआ है। सुबह फोन आया तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य बात करने लायक हुआ होगा इसलिए फोन आया, थोड़ी देर में देखा तो ये कथा में बैठे। तो जिसका ऑपरेशन 3 दिन पहले हुआ हो वो 1 महीने तक घर से बाहर नहीं जाएगा, और 3 दिन बाद आप कथा में देख रहे हो। इसका क्या मतलब है?
कि वह पहाड़ जैसा संकट कंकड़ के समान होगा, लेकिन उस कंकड़ को लगने का भी अनुभव भजन के प्रताप से नहीं होगा। वो बड़ा से बड़ा कष्ट भी आपको पता नहीं लगेगा, कष्ट तो आएगा प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उसका अनुभव ना होना, यह है।